दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं Redmi 12 5G वर्सेस Redmi 13C 5G के बारे में। दोनों का कंपैरिजन करेंगे और दोस्तों आपको बताएंगे कि कौन सा फोन बेस्ट है आपके लिए। तो दोस्तों आप इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखते रहिए। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं दोनों के प्राइस के बारे में। तो Redmi 12 5G आपको 4GB रैम प्लस 128GB स्टोरेज वेरियंट में 11,999 का मिलता है और Redmi 13C 5G आपको 4GB रैम प्लस 128GB स्टोरेज वाला वेरिएंट 10,999 का मिलता है। तो दोस्तों दोनों के प्राइस में 1,000 रुपीस का डिफरेंस है। आपको Redmi 13C 5G 1,000 रुपीस सस्ता मिलता है। अब दोस्तों बात करते हैं डिस्प्ले की। तो दोस्तों Redmi 12 5G में आपको 6.7 इंच की फुल HD प्लस LCD डिस्प्ले देखने को मिलती है जो कि 90 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट के साथ आती है और पीक ब्राइटनेस इसकी 550 नीट्स तक जाती है। और वहीं Redmi 13C 5G की बात करें तो इसमें आपको 6.7 इंच की HD प्लस LCD डिस्प्ले मिलती है जो कि 90 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट के साथ आती है और इसकी पीक ब्राइटनेस 600 नीट्स तक जाती है। तो दोस्तों दोनों फोन की डिस्प्ले को कंपैरिजन करें तो Redmi 12 5G में आपको फुल HD प्लस डिस्प्ले मिलती है और Redmi 13C 5G में आपको HD प्लस डिस्प्ले मिलती है। तो दोस्तों डिस्प्ले दोनों फोन की अच्छी है लेकिन Redmi 12 5G को यहाँ पर थोड़ा सा एडवांटेज है। अब बात करते हैं प्रोसेसर की। तो दोस्तों आपको Redmi 12 5G में Snapdragon 4 Gen 2 प्रोसेसर देखने को मिलता है और Redmi 13C 5G में आपको MediaTek Dimensity 6100 प्लस प्रोसेसर देखने को मिलता है। दोनों का कंपैरिजन करें तो दोनों में आपको परफॉर्मेंस लगभग सिमिलर देखने को मिलती है। अगर दोस्तों आप डेली यूसेज में फ़ोन की परफॉर्मेंस निकालोगे तो आपको लगभग सिमिलर परफॉर्मेंस देखने को मिलती है। डेली यूज में दोस्तों दोनों ही फ़ोन लैग नहीं करते हैं लेकिन गेमिंग की बात करें तो आपको यहां पर क्लियर एडवांटेज Redmi 12 5G देता है क्योंकि आपको इसमें Snapdragon 4 Gen 2 प्रोसेसर देखने को मिलता है। ओवरऑल अगर आपको डेली यूसेज के हिसाब से देखना है तो दोनों ही सिमिलर परफॉर्मेंस निकाल के देते हैं लेकिन अगर आपको गेमिंग करनी है तो आपको Redmi 12 5G की तरफ देखना चाहिए। अब दोस्तों बात करें बैटरी की तो आपको दोनों में ही 5000mAh की बैटरी मिलती है और आपको दोनों में ही 18W की फास्ट चार्जिंग देखने को मिलती है। अब दोस्तों कैमरा की बात करें तो आपको दोनों में 50MP का मेन कैमरा देखने को मिलता है लेकिन फ्रंट कैमरे में आपको Redmi 12 5G में 8MP का कैमरा देखने को मिलता है और Redmi 13C 5G में आपको 5MP का कैमरा देखने को मिलता है। दोस्तों दोनों फोन के कैमरा का कंपैरिजन करें तो दोनों में मेन कैमरा सेम है लेकिन फ्रंट कैमरे में आपको Redmi 12 5G में थोड़ी सी सेल्फी बढ़िया देखने को मिलती है क्योंकि Redmi 12 5G में आपको 8MP का कैमरा देखने को मिलता है। तो दोस्तों अब ओवरऑल कंपैरिजन की बात करें कि दोनों फोन्स में से कौन सा फोन लेना चाहिए। तो दोस्तों अगर आप डेली यूसेज के लिए फोन देख रहे हो और आप 1000 रुपीज एक्स्ट्रा नहीं देना चाहते हो तो आप Redmi 13C 5G ले सकते हो लेकिन दोस्तों आपको गेमिंग करनी है और थोड़ी बढ़िया डिस्प्ले चाहिए तो आप Redmi 12 5G भी ले सकते हो। तो दोस्तों अगर आप 1000 रुपीज एक्स्ट्रा पे कर सकते हो तो आपको Redmi 12 5G की तरफ ही देखना चाहिए क्योंकि Redmi 12 5G में आपको डिस्प्ले भी बढ़िया देखने को मिलती है और Redmi 12 5G में आपको थोड़ी सी गेमिंग भी बढ़िया देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आएगी और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना। ऐसी वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लेना ताकि आप हमारी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन को मिस ना कर पाएं।